concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो भाई मामला और खबर ये है कि एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में उठापटक चल रही है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई भी जारी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन कब कैसे किस पर हमला करेगा कुछ पता ही नहीं है। सारे देश अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने में लगे हुए हैं। उधर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अलग ही खेल हो गया। शेख हसीना को इस्तीफा देकर दिन भी नहीं, घंटे नहीं, मिनटों में 9 to 11 होना पड़ गया। उधर खबर आई कि वहां पर लूटपाट मच गई। सोचिए कि बंगबंधु यानी कि जिन शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में ईस्ट पाकिस्तान से यह देश बांग्लादेश बना, उन्हीं की मूर्ति को तोड़ने की तस्वीर भी सामने आई। पीएम आवास में ऐसी लूटपाट मची कि पूछिए ही मत। और हैरानी की बात तो यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट जिस मामले या मुद्दे को लेकर हुआ वो कुछ और ही था। बात यह थी कि यहां पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के सिस्टम को खत्म करने के लिए यह पूरा हंगामा और प्रदर्शन किया गया। लेकिन सोचिए जरा कि क्या ये वही लोग होंगे जो सरकार का विरोध आरक्षण को लेकर कर रहे होंगे? कहा गया कि प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं और नौकरी में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों में 30% आरक्षण के विरोधी हैं। लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही दिखी। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूट, हत्या, क्या कुछ नहीं दिखा। क्या इन लोगों के दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि बात सरकार के विरोध की नहीं बल्कि अपने ही देश की भी होती है? वैसे इस मामले पर यूएन की तरफ से कहा गया कि उनकी नजर बांग्लादेश के हालात पर नजदीक से बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि हम वहां के सुरक्षा बलों से ये अपील कर रहे हैं कि वहां के लोगों की सुरक्षा की जाए। लेकिन सुरक्षा की बात तो दूर, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू परिवारों पर, मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है। खबरें ये तक आ रही कि वहां पर हिंदू लड़कियों के साथ रेप की घटना भी अंजाम देने की कोशिश हुई। ये वही बांग्लादेश है जिसकी आजादी में भारत का कितना अहम योगदान है, इसे कोई भुला नहीं सकता। लेकिन देखिए कि चल क्या रहा है वहां पर। हिंदू जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, भटक रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो रंगपुर से हिंदू काउंसलर काजल रॉय की उपद्रवियों ने हत्या भी कर दी। इस बीच कहा तो यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सामने आई है। सेना ने हिंदू परिवारों, मंदिरों, अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। अब ऐसे में भारत कर क्या रहा है, क्या कह रहा है, यह भी जानते हैं। भारत की तरफ से इस मामले में यह जवाब आया विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से। लोकसभा में बोल रहे थे, विदेश मंत्री ने बताया कि बेहद शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना ने भारत में एंट्री की इजाजत मांगी थी। अभी वो सदमे में है और उनसे बात करने से पहले उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार वहां की सेना और पुलिस से बातचीत चल रही है और भारत पूरे हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हिंदुओं पर वहां पर हमले की बात भी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कही और बताया कि कैसे हमले हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपेरेंटली मेड द डिसीजन टू रिजाइन एट वेरी शॉर्ट नोटिस। शी रिक्वेस्टेड अप्रूवल टू कम फॉर द मोमेंट टू इंडिया। वी साइमल्टेनियसली रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर फ्लाइट क्लियरेंस फ्रॉम बांग्लादेश अथॉरिटीज। She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. तो शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांग ली। जब तक ब्रिटेन सरकार उनको राजनीतिक शरण नहीं देगी तब तक वो भारत में ही अस्थायी तौर पर रहेंगे। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरा था। यहां पर उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात भी की थी। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार की तरफ से शेख हसीना को शरण दी जाएगी नहीं दी जाएगी इस मामले में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे शेख हसीना की छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक है। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य है। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका में,
अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा ही रद्द कर दिया, यानी कि साफ यह मैसेज दे दिया कि यूएस में आपके लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। अब क्या हुआ? अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यह हुआ क्यों, क्या छात्रों का प्रदर्शन था या फिर कोई बड़ी साजिश तो इसके पीछे नहीं है। अगर साजिश थी तो किसकी थी, किसने की? बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश बना कैसे। बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान और भारत की मदद से यह बन गया बांग्लादेश। जाहिर है पाकिस्तान को यह टीस आज तक होगी, दर्द होगा कि उसके दो टुकड़े कर दिए गए। यह माना जा रहा है कि अभी जो वहां पर हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। माहौल खराब करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई, मैसेज भेजे गए, लोगों को उकसाया गया, पूरे आंदोलन को और बड़ा बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर यह माने कि आरक्षण के विरोध में आंदोलन का नकाब पहनकर यह सब किया गया। इतना ही नहीं, चालबाज चीन का खेल भी इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये वही चीन है जो भारत को उसके ही सारे पड़ोसियों से भिड़ाने और लड़ाने की साजिश हमेशा से रचता रहा है। फिर चाहे बात श्रीलंका में कब्जा करने की हो या फिर मालदीव के साथ गलबैया करने की हो, पाकिस्तान को मदद पहुंचाने की हो, भारत के विरोध में हमेशा वो खड़ा करने की कोशिश करता है। नेपाल को बरगलाने की बात हो या बांग्लादेश में अशांति और अस्थिरता फैलाने की बात हो। इतना ही नहीं, यूके और अमेरिका की तरफ से भी कुछ साजिश का अंदेशा इसमें नजर आता है, क्योंकि अमेरिका से भी शेख हसीना से नाराजगी चली रही थी। उधर शेख हसीना जब चीन गई थी तो वहां भी उनको जैसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। मदद देने का जो भरोसा दिया गया था वो भी नहीं मिली, थोड़ी बहुत दे दी गई। घटना हथियार का मामला तो पहले ही दोनों मुल्कों के बीच का विवाद का विषय बना हुआ है, हथियार के लेन देन का, और फिर भारत को कैसे घेरा जाए इसकी कोशिश तो हमेशा से चाइना करता ही रहा है, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। अभी मालदीव का ही हिसाब देख लें, कुछ दिन पहले का, कुछ महीनों पहले का, हमने देखा कि एक छोटे से देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कैसे चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, और वो भी तब जब उस देश की इकोनॉमी भारतीय पर्यटन पर निर्भर होती है, भारतीय पर्यटक पर निर्भर है। बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मिलकर द्वीपीय राज्य में चुनाव के दौरान इंडिया आउट का अभियान चला रखा था। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि पूरी दुनिया अभी अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, बाजार पर असर हो रहा है और जाहिरा तौर पर भारत इससे अछूता तो नहीं है। हालांकि 1947 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में एक नहीं कई बार सत्ता परिवर्तन की कोशिश हुई। 75 में तो जिन्होंने आजादी दिलाई शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के पूरे परिवार समेत हत्या कर दी गई। वो तो शेख हसीना और उनकी बहन जो है उस वक्त बाहर थी तो वो बच गई और बाद में वहां की पीएमबी बन गई। लेकिन अब उनके बेटे ने कह दिया है कि हसीना राजनीति में लौटेंगी नहीं। उनके बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिब वाजिद जॉय ने सोमवार को यह दावा किया और कहा कि शेख हसीना ने अपने परिवार के आग्रह पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया है। यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। उधर कल ही एक तरफ शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और पूर्व प्रधानमंत्री जो जेल में थी उनको कल छोड़ दिया गया। वहां की सेना की तरफ से, बांग्लादेश की सेना की तरफ से यह भी कहा गया कि हम उनसे बात कर रहे हैं कि वहां पर नई सरकार का गठन हो जाए। अब क्या क्या अपडेट इसमें जो लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अभी तो यह है कि शेख हसीना को कहां शरण मिलेगी यह भी तय नहीं है। अभी इसकी कई सारी परतें खुलनी बाकी हैं। परतें इसलिए खुलनी बाकी हैं क्योंकि इसमें यह बात बिल्कुल साफ नजर आती है, ठीक है छात्रों से बातचीत नहीं चल रही थी, आरक्षण के मामले को लेकर शायद सरकार रिजिड भी हो सकती है, लेकिन यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया कि मिनटों में, जी हाँ मिनटों में प्रधानमंत्री को कह दिया गया कि आप पद से इस्तीफा दीजिए और देश छोड़ दीजिए, और मिनटों में उनको यह काम करना पड़ा। तो ये दबाव क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये साजिशें धीरे धीरे करके तो आज नहीं तो कल सामने आ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।